तो आज हम बात करेंगे माइजनर एक्टिंग टेक्निक के बारे में। माइजनर एक्टिंग टेक्निक सीखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें माइजनर थे कौन। तो माइजनर एक अमेरिकन एक्टर और एक एक्टिंग टीचर थे। उनका पूरा नाम सैनफोर्ड माइजनर है और उनको लोग सैंडी नाम से भी बुलाते हैं। तो इन्होंने जो अपनी टेक्निक बनाई वो स्टैनिस्लॉस्की से इंस्पायर होकर बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि स्टैनिस्लॉस्की कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। वो एक्टर्स को इमोशन बाहर निकालना सिखा रहे हैं कि एक्टर कैसे अपना इमोशन बाहर निकाल सकता है, वो कैसे अपनी फीलिंग्स के साथ खेल सकता है, वो किसी जैसे वो चाहे कि वो हंसना कब है या वो रो कब सकता है या वो कब खुश हो सकता है, ये सारी चीज़ें वो अपनी इमोशन से बाहर निकाल सकता है वो सोच के। तो और वो आउटसाइड पे भी बहुत वर्क कराते थे कि एक्टर को अपने पहले हेयर पे काम करना चाहिए, उसके बाद कॉस्ट्यूम पे, उसके बाद मेकअप पे, उसके बाद वो अंदर के इमोशन फीलिंग्स को निकाले बाहर। तो उनका बस ये मानना था कि एक्टर आउटसाइड इन वो सिखाते थे स्टैनिस्लॉस्की, और जो माइजनर थे उन्होंने उसी से इंस्पायर होकर इनसाइड आउट बनाया कि एक्टर बस अपने इमोशन को बाहर निकाले और बाकी वो जो करे वो बिना सोचे करे। तो यहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी खुद की टेक्निक बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने माइजनर एक्टिंग टेक्निक। तो माइजनर टेक्निक में सबसे पहले आता है रियलिटी ऑफ डूइंग। इन्होंने इसमें बताया था कि एक्टर जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो रियलिटी में कर रहा है। ये बिल्कुल अलग है स्टैनिस्लॉस्की की टेक्निक से। स्टैनिस्लॉस्की ने बताया था कि एक्टर पहले सोचेगा कि वो ये क्यों कर रहा है, और इन्होंने बताया था ये इनका बिल्कुल डिफरेंट तरीका था। इनका ये मानना था कि अगर कोई एक्टर सोचेगा कि वो कैसे कर रहा है या ये क्यों कर रहा है तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। एक्टर ज़्यादातर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं ये वाला सीन करूँगा तो ऐसे अच्छा लगेगा या मैं कुछ डिफरेंट तरीके से करूँगा तो ऐसे अच्छा लगेगा। तो एक एक्टर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होता है, तो अगर वो सोचेगा तो वो क्या पता गलत कर दे उस सीन को। तो इनका बस ये मानना था कि एक्टर बस वो फील करे, वो सीन इमेजिन करे कि वो क्या हो रहा है वहाँ, तो वो बिल्कुल सोचे ना, बस वो सीन इमेजिन करे कि यहाँ पे वो है और बस कर दे। सेकंड आता है माइजनर टेक्निक में मूवमेंट टू मूवमेंट एक्टिंग। इसमें उन्होंने बताया था कि एक एक्टर जो है वो एक मूवमेंट पे रिएक्ट करता है। इसमें उन्होंने बताया था कि एक एक्टर जैसा को डायरेक्टर एक्ट करेगा हमें उस हिसाब से रिएक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा को एक्टर है जिसके सामने मैं पर्टिकुलर सीन कर रहा हूँ कैमरे के सामने, और मेरे को एक्टर ने कोई डायलॉग बोला या कोई जोक बोला, तो मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूँगा, मुझे उस हिसाब से हंसी आएगी जैसा उस वो जोक था। अब ऐसा नहीं कि वो बेकार सा जोक हो और मैं बहुत तेज हंस रहा हूँ तो वो ओवर लगेगा, राइट? तो मैं रियलिटी में जी रहा हूँ ना, मुझे अगर सही में वो जोक पसंद आएगा मैं तभी हंसूँगा। तो हमें उस हिसाब से रिएक्ट करना होता है। इन्होंने यही बताया था कि हमें उस हिसाब से रिएक्ट करना होता है जैसा हमारा को एक्टर एक्ट करता है। थर्ड आता है इमेजिनेशन एंड प्रेपरेशन। इन्होंने इसमें बताया था कि एक एक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमेजिनेशन की और उस हिसाब से प्रेपरेशन करने की। आप डे ड्रीमिंग का सहारा ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं कि खुली आंखों से सपने देखना। तो उन्होंने बताया था कि एक एक्टर जो है वो डे ड्रीमिंग करेगा तो वो अच्छे से इमेजिन कर सकता है और वो उस हिसाब से एक्ट कर सकता है। वो बहुत अच्छा एक्टर बन जाएगा अगर वो डे ड्रीमिंग करता होगा तो आप डे ड्रीमिंग का यूज़ कर सकते हो। आप उस हिसाब से इमेजिन करो कि सही में अगर बर्फीली जगह है, तो आप उस हिसाब से इमेजिन करो कि सही में बर्फीली जगह है और उस हिसाब से आप रिएक्ट करोगे या उस हिसाब से एक्ट करोगे, तो आप अच्छे एक्टर, आप रियलिटी ऑफ डूइंग वाली चीज़ें करोगे कि आपके साथ रियलिटी में हो रहा है और आप एक्ट नहीं करोगे, आप जियोगे उस पल को।